आप मिलकर आइए, मैं यहीं खड़ा हूं। परेशान है, आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और बात है। तुम स्कूटर चलाओ। ठीक है सर। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। देवनाथ जी जरा वो फाइल लेकर आइएगा। पिताजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एक इम्पोर्टेंट फाइल है, उसे मैंने लॉकर पे रखा था, मिल नहीं रही है। कहाँ रखा था? आप रखकर भूल गए हैं क्या? मैं भूला नहीं, तुम जाओ मैं देख लूंगा। परेशान मत होइए, आराम से ढूंढिए, मैं भी देखता हूँ। पिताजी फाइल मिली क्या? मेरा सिर दुख रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। आप आ गए, तरुण नहीं आया। उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? अभी तक वो छोटा बच्चा है क्या? उसकी शादी नहीं हुई है क्या? जिम्मेदारी समझता है, वो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तुम इस फाइल का ठीक से ध्यान रखना, भूलना मत, कहीं और मत रख देना। माँ। हाँ? वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं, फोन भी स्विच ऑफ है। ऑफिस का नंबर वहाँ पर लिखा है, तुम ऑफिस में फोन करके पूछ लो। हेलो, तरुण सर हैं क्या? वो निकल गए मैडम। ओ निकल गए हैं? हाँ। थैंक यू। एक दिन तरुण को आने में देर क्या हो रही है, बहू तो बहुत घबराई हुई है। आप खाएंगे नहीं? पता नहीं इनको भी क्या हो जाता है। पापा माँ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो ऑफिस में एक फाइल खो गई है, इसलिए थोड़ा परेशान है। माँ, पिताजी ने तुम्हें डांटा क्या? जाने दे बेटा, उनको ऑफिस के बहुत सारे टेंशन हैं। ऑफिस के टेंशन की वजह से वो तुम्हें डांटेंगे क्या? तेरी वाइफ खुद टेंशन में है, जा उसके पास। तू लेट क्या हो गया, वो तो इतनी घबरा गई कि क्या बोलूं। हाँ, अभी एक हाथ दूंगा ना। ए! ओ! चल जा जा। हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अच्छी तरह साफ करो। पापा सुनो, पिछले हफ्ते हमारे घर पर आए थे, पैसा कहीं भूल कर रख दिया है ऐसे कह रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, फाइल भूल गए थे तो बोल रहे थे कि फाइल चोरी हो गई है, बस यही बात थी। सुनिए ना। हाँ बोलो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर सो जाओ, ठीक लगेगा। सर आइए। सॉरी। अंदर आइए। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, वो फाइल के बारे में तुम्हें कुछ। मेरे पिताजी ऐसे आदमी नहीं। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें, उनके बारे में कभी गलत मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, लेकिन पूछताछ करना तो मेरा फर्ज है ना। वो कोई बैग लेकर आए थे क्या? बैग? कैसा बैग सर?
पैसा, पैसों का बैग लाए थे क्या? नहीं सर, मतलब वो फाइल बेच कर पैसा लाए, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस, अगर वो फाइल गायब हो गई तो पेंशन और प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं मिल पाएगा और तुम्हें भी काम से निकलना पड़ सकता है बेटा। जानता हूँ सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो जरूर बोलना। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। मैं चलती हूँ तरुण। माँ का ख्याल रखना। तुम सोई क्यों नहीं? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुसाइड किया ऐसी बातें चल रही है बहन जी, और फाइल भी चोरी की थी ऐसी बातें न्यूज में आ रही है। आसपास के लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं बहन जी, इसीलिए आप एक हफ्ते के अंदर अगर घर खाली कर दें तो। सुनिए, अचानक घर खाली करके कहाँ जाएंगे? आपको किराया तो वक्त पे दे रहे हैं ना। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी बेटा, उनके बिना हम छोड़ देंगे। हम दूसरे घर में रहने जाएंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या जिंदगी में? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। सुनो जमुना, ये मैंने अभी के लिए बनाया है, मैं तरुण के लिए दूसरा बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। हम दूसरी जगह रहने चलते हैं, ठीक है ना? आपको क्या लगता है? पिताजी भी नहीं, पुराना घर भी नहीं, काम भी नहीं, सब कुछ बदल गया है। आज हमारी हालत यह हो गई है। आज आने में देर क्यों हो गई? चलो अंदर। तरुण, जमुना ने खाना नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही है, जा बेटा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? ये हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये लो खा लो। क्या हुआ? ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों आप ही के सहारे हैं। आप जानते मैंने उस घर में रहने से क्यों मना किया है? तुम बिना वजह कुछ नहीं कहोगी, मुझे पता है। अगर हम वहां रहते तो कोई कुछ बोल देता, कर देता, तो हम उसे कुछ नहीं बोल पाते। मैं इस घर में सबको पसंद करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इज्जत करती हूँ। हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा आप ही की जरूरत है, इसीलिए। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। मेरी माँ के माथे पर सिंदूर नहीं, और मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हारे आराम करने के लिए एक ठीक ठाक घर भी नहीं है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सब देख नहीं पा रहा हूँ और सह भी नहीं पा रहा हूँ। अंकल, मेरे पिताजी आपके बहुत करीब थे, उन्होंने आपसे कुछ कहा था क्या ऐसा करने से पहले? कुछ नहीं बेटा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। उस फाइल के बारे में आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं बेटा। सुनिए ना, बच्चे ने लात मारी, देखिए ना। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन हमें इन छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए ना। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पूछताछ करके सच जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने ऑफिस में 25 साल ईमानदारी से काम किया, अब लोग उन्हें चोर कह रहे हैं, इसी वजह से मेरी शांति और खुशी गायब हो गए हैं। आसपास की छोटी छोटी खुशियों पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है।
अगर अनजाने में मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं अभी आता हूँ।